आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ़ सी एस आर इन इंडिया तो अगर बात करें हमारे इंडिया की तो इंडिया में सी एस आर का कंसेप्ट वैदिक काल से ही चलता आ रहा है ऋग्वेद में भी गरीबों को धन देने की बात की गई है और ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिनमें समाज की भलाई करने की बात कही गई है और साथ ही जो भी काम काज होते हैं उनमें सुधार करने की और उनको बढ़ावा देने की भी बातें बताई गई हैं इसके साथ ही गरीबों को दान देने को बहुत बड़ा कल्चर माना गया है हमारे इंडिया में और जितने भी टेम्पल हो गए चर्च हो गए गुरुद्वारा हो गया ऑफनीज हो गई इनमें पैसों को इन्वेस्ट करना या फिर गरीबों की सेवा करना या फिर उनको दान देना इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स माना गया है अगर फादर ऑफ़ सीएसआर की बात की जाए वर्ल्ड में तो हावर्ड बोवेन है ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे और ग्रीनैल कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं बट अगर इंडिया में देखा जाए तो भास्कर चटर्जी को फादर ऑफ़ सीएसआर के नाम से जाना जाता है उन्होंने कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 135 में सी को शामिल किया डॉक्टर भास्कर चैटर्जी एक पार्टिसिपेशन थ्योरिस्ट एंड टीचर भी हैं इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक कारपोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी मैंडेटरी एन अमेंडमेंट टू द कंपनीज एक्ट 2013 इन अप्रैल 2014 बिजनेस कैन इन्वेस्ट दियर प्रॉफिट्स इन एरियाज सच एज एजुकेशन पॉवर्टी जेंडर इक्वेलिटी एंड हंगर तो अप्रैल 2014 में कंपनी एक्ट तो 2013 में कुछ अमेंडमेंट किए गए जिसके बाद भारत फर्स्ट कंट्री बन गया जिसमें सी एस आर को मैंडेट्री किया गया इसमें कंपनी जो है वो अपने बेनिफिट को एजुकेशन पॉवर्टी जेंडर इक्वलिटी और हंगर जैसे फील्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं सो अकॉर्डिंग टू सुंदर इन टू थाउजेंड इंडिया में सी एस आर के डेवलपमेंट को चार फेज में डिवाइड किया गया है सो फर्स्ट फेज़ है हमारा सी एस आर ड्राइविन वाई चैरिटी एंड फिलिथ्रॉफी this phase is from 1850 to 1914 csr in the initial phase was driven by culture traditions family values industrialization and religion industrialization was pioneered in india in the 19th century like tatas birlas godrej Sriram, ram singhania lal bhai sarabhai mahendra modi bajaj and namali these business houses were committed to csr during this phase all the donations were done for this construction of school, hospitals, temples, etc., without any consideration of the long-term impact of these donations. Philanthropic responsibility refers to a corruption aims, goals, and objective for actively bettering society as a whole. One huge aspect of corporate philanthropy is donating money from company earning to worthy cause within the local community, often in the form of the trust or foundation. फेज़ वन हमारा 1850 फिफ्टी टू नाइनटीन के बीच का रहा इनिशियल फेज़ में सी को कल्चर ट्रेडिशंस फैमिली वैल्यूज़ इंडस्ट्री एंड रिलीजन के थ्रू ड्राइव किया जाता था बट नाइनटीन सेंचुरी में हमारे इंडिया में कुछ कंपनियों की शुरुआत हुई लाइक like टाटा बिरला महिंद्रा बजाज ई और ये सभी जो थी वो सी के रूल्स को मानने के लिए भी प्रतिबद्ध थी तो फेज़ वन के समय जितनी भी चैरिटी की जाती थी वो स्कूल हॉस्पिटल्स टेम्पल आदि के कंस्ट्रक्शन में की जाती थी बिना ये कंसीडर किए कि लॉन्ग टर्म में इस डोनेशन का क्या इम्पैक्ट रहेगा वहीं फिल्म थ्रॉफ़ी की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए होल सोसाइटी में तो वो होल सोसाइटी को बेहतर बनाने और उनके जो भी गोल्स थे उनको अचीव करने में उनकी मदद करने में हेल्प करता है तो अगर कॉर्पोरेट फिल्म थ्राफ़ी की बात की जाए तो जो कंपनियाँ होती हैं उनके इनकम का कुछ हिस्सा वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी होती हैं लोकल सोशल एरिया होते हैं उनकी भलाई में डोनेट किया जाता है तो कंपनीज़ इसे ट्रस्ट और फाउंडेशन के रूप में डोनेट करती हैं सेकेंड फेज है हमारा सी एस आर ड्राइवन बाय सोशल डेवलपमेंट द सेकेंड फेज ऑफ सी एस आर इन इंडिया इज फ्रॉम नाइनटीन फोर्टी टू नाइनटीन सिक्सटी द सी एस आर ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई गांधीज थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप फैमिली बिजनेस हैड इस्टेब्लिश्ड ट्रस्ट फॉर बिल्डिंग स्कूल्स कॉलेजेस साइंटिफिक एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ई टी सी एंड दिस ट्रस्ट आल्सो इन्वॉल्व डैमसेल्व इन वेरियस सोशल कॉज इनिशिएटेड बाई महात्मा गांधी लाइक एवोल्यूशन एंड अनटचेबिलिटी वीमेन एम्पावरमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस फेज द बिजनेस हाउस नॉट ओनली डिड दे पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री दे प्रमोटेड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री विच लेड टू पार्टिसिपेशन ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री तो फेज़ सेकेंड में शोशल डेवलपमेंट के थ्रू सी एस आर को ड्राइव करने के बारे में बताया गया है तो सी एस आर का जो सेकेंड फेज है वो नाइनटीन फोर्टीन टू नाइनटीन सिक्सटी तक रहा ड्यूरिंग दिस फेज सी एस आर जो है वो गांधी जी के ट्रस्टीशिप की थ्योरी से काफ़ी अफेक्टेड था तो उस टाइम पर जो भी बिजनेस हाउस होती थी बिजनेस की जो फैमिलियाँ होती थी उन्होंने स्कूल कॉलेज साइंटिफिक एंड ट्रेनिंग के लिए ट्रस्ट को इस्टेब्लिश किया और जो भी ट्रस्ट बनाए गए उन्होंने जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई वेरियस सोशल कॉज थे जैसे हमारी आस्पर्शता उन्मूलन महिला सशक्तिकरण ग्रामीण विकास इनमें भी खुद को शामिल किया और इनमें भी मदद की इस फेज़ के दौरान बिजनेस हाउस ने न केवल देश के इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट किया बल्कि जो भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन थी उसको इंक्रीज़ किया जिससे कि देश के डेवलपमेंट में कॉरपोरेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा और भारत को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से फ्रीडम दिलाने में भी हेल्प की फेज थर्ड है हमारा सी एस आर इन द मिक्सड इकोनॉमी The third phase of CSR in India is from 1960 to 1980 this phase was characterized by emergence of several public enterprises several legislation on corporate governance labor and environmental standards also came into existence during this phase हैवी रेगुलेशन एंड लाइसेंस राज रिप्लेस द सेल्फ रेगुलेटरी एक्टिविटीज ऑफ द कॉरपोरेट बाय अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इंप्रूविंग द बिजनेस इन्वायरमेंट रिड्यूसिंग बिजनेस रिस्क एंड क्रिएटिंग अ मोर सस्टेनेबल इकोनॉमी सी एस आर कैन हेल्प टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थर्ड फेज नाइनटीन सिक्सटी टू नाइनटीन एट्टी तक रहा इस फेज में कई पब्लिक एंटरप्राइजेस का उदय हुआ और इसके अलावा कॉरपोरेट गवर्नेंस लेबर एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड पर भी कई कानून अस्तित्व में आए उस समय स्टेट में हैवी रेगुलेशन और लाइसेंस राज आए जिन्होंने कॉर्पोरेट की सेल्फ रेगुलेटरी को रिप्लेस करके उनका स्थान ले लिया हालांकि उस समय स्टेट जो हैं वो गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास का समर्थन करने में फ़ेल हो गए तो उस समय सी पर जो कंट्रीब्यूशन था उसके डेवलपमेंट भी ज़्यादा चल नहीं पाया पर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करके और रिस्क को कम करके या फिर बिजनेस को इम्प्रूव करके या फिर बिजनेस के रिस्क को कम करके या फिर इनको अधिक सस्टेनेबल बनाकर कर सी एस आर की इकनॉमी को बढ़ावा दिया गया और इसका डेवलपमेंट भी किया गया फोर्थ फेज़ है हमारा इंटरफेस बिटवीन फिलिथ्रॉफिक एंड बिजनेस अप्रोचेस this phase starts from 1980s till the present day during this phase the companies started viewing csr as a sustainable business strategy and started adopting multi stakeholder approach with the liberalization of the economy in the 1990s india became integrated with the global market and there was a boom in the economy the growth of the economy has helped the indian companies to grow rapidly which has increased their willingness to participate more actively in the socio economic development of the country india has now become an important production and manufacturing base for many of the transnational companies as a result companies participating in philanthropic activities can establish a good reputation improve competitiveness increase product sale and create more added value of the company तो फोर्थ फेज़ 1980 से प्रेजेंट तक का है ड्यूरिंग दिस फेज कंपनी ने सी को एक सस्टेनेबल बिजनेस स्ट्रेटेजी मतलब कि ऐसी रणनीति जो बिजनेस के लिए स्टेबल हो इस फॉर्म में देखना शुरू कर दिया और साथ ही मल्टी स्टेक होल्डर के इस अप्रोच को अपनाना शुरू कर दिया 1990 के दशक में भारत में इकोनॉमी मैनेजमेंट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट का भी इंटीग्रेशन हुआ और भारत की इकोनॉमी में तेजी आई जिससे भारत की सोशियो इकोनॉमी भी तेज़ी से डेवलप हुई तो भारत में कई ऐसी इंटरनेशनल कंपनी आईं जिनके लिए प्रोडक्शन और मैनुफैक्चरिंग का बेस बन गया तो वह कंपनी जो थी वो फिलिंग ट्रॉफी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं और उनकी एक गुड रेपूटेशन बन जाती है कॉम्पिटिटिवनेस बन जाता है और ये एक इम्प्रूवमेंट होता है हमारे इंडिया के लिए जिसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज होती है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है मोर एडिड वैल्यूज़ भी क्रिएट होती हैं और जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ होती हैं जिनमें भारत की कंपनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है लाइक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स रिलेटेड तो उन कंपनीज़ को भी लेबर एंड एनवायरमेंट आदि के लिए बनाए गए जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है सो so, आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें थैंक यू